गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज आप लोगों के बीच मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और टॉपिक आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आपने पिछले क्लास में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, दुनिया में लौह इस्पात उद्योग के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंतर्गत आपने यह अध्ययन किया था कि चाइना जो है फिलहाल नंबर वन पे है आयरन स्टील प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर टू पे है, और भारत विगत 2-3 साल पहले ही नंबर टू पोजीशन पे अटेन किया है। और किसी भी राष्ट्र के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री में उन्नत प्रोडक्शन में उन्नत स्थान लेना एक मायने रखता है, क्योंकि आज जितने भी प्रगतिशील देश है उसकी पहला डिमांड होता है या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री उन्नत होना चाहिए। और हम देखते भी हैं, पहले जो जितने डेवलप कंट्री थे, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो, वो आयरन स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में पहले पांच क्रमशः पदानों पे थे, लेकिन हाल के विगत 2-3 दशकों में यह जो क्रम है वह चेंज हुए हैं। चाइना नंबर वन पे आया है और अब भारत भी नंबर टू पे पहुंच चुका है। और यह जो वर्तमान युग है, यदि इसको हम लौह युग कहें तो वो भी अति संयोक्ति नहीं होगी। जैसे आपने बहुत लोग जानते होंगे इतिहास में ब्रॉन्ज एज हुआ करता था और आयरन सभी को मालूम था, लेकिन आयरन के इस प्रकार से उपयोगिता बढ़ेगी ये किसी को नहीं मालूम था। और आज के संदर्भ में यदि हम बात करें किसी भी देश की उन्नति या विकास के जो पैमाने हैं उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफी मायने रखता है। और जैसा कि ब्रिन मुक जॉन्स ने भी कहा है, यदि हम आयरन स्टील को हटा लें तो हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज छोटे से छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्री तक आयरन एंड स्टील की डिमांड है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था कि वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन 2018 के जो आंकड़े थे 1808 मिलियन मैट्रिक टन, और उसमें आप इस टेबल को गौर करेंगे, इस टेबल में ये पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन मैंने कल भी पढ़ाया था, लेकिन ये टेबल मैंने नहीं दिया था, उसमें 2018 में प्रोडक्शन स्टेटस जो था वो दिखाया गया है। चाइना क्या है, कुल 1808 मिलियन मैट्रिक टन के प्रोडक्शन में 928 नंबर वन पे अकेले प्रोडक्शन करता है। मोर देन 50% आयरन स्टील इंडस्ट्री इज प्रोड्यूस बाय चाइना एंड नाउ इट इज फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 106 मिलियन मैट्रिक टन अब इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद थर्ड पोजिशन पे, जो पहला 4 साल पहले तक जापान था सेकेंड पोजिशन पे, नाउ इट हैज कम टू थर्ड पोजिशन एंड दिस इज नाउ 104 मिलियन मैट्रिक टन। इसी प्रकार से यूएसए चौथे पोजिशन पे चला गया, जो कभी नंबर टू नंबर वन पे हुआ करता था वो चौथे स्थान पे चला आया, 86.7 मिलियन मैट्रिक टन। और साउथ कोरिया ये भी काफी राइज किया है प्रोडक्शन में, और आप देख सकते हैं ये पांचवें पोजिशन पे है। तो ये क्रमशः जो है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। साउथ कोरिया, फिर रशिया है छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे जर्मनी है, आठवें पे टर्की है, नौवें पे ब्राजील है, दसवें पे इटली है, और 11वें पे ईरान है, और 12वें पे यूक्रेन है, और उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है 13th पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह जो प्रोडक्शन का जो चार्ट दिया गया है इसमें काफी ज्यादा, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, काफी ज्यादा चेंजेज हुए हैं विगत वर्षों में। और यह जो है 2018 का आंकड़ा है, और इस आंकड़े के अनुसार भारत आज नंबर सेकेंड पोजिशन होल्ड करता है पूरे दुनिया में आयरन स्टील के प्रोडक्शन के मामले में। और साथ ही साथ मैं यह भी यहां बता देना ही चाहता हूं कि कंजम्पशन में भी इंडिया आज पूरे दुनिया में नंबर सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। मतलब कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं साथ ही साथ हम कंजम्पशन भी मेरा हाई रेट है, और उसका मुख्य कारण है क्या, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में, उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो के का विकास जो है काफी हो रहा है, डिमांड्स हमारे काफी ज्यादा है, और इसे फिर आप आगे देखेंगे। इसीलिए हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं
उसमें आप देखेंगे आयात और निर्यात का जो रेशियो है वो भी काफी कम ही है, मात्र हम लगभग 6 मिलियन टन के आसपास आयात करते हैं और उसी 5 या 6 मिलियन टन के आसपास निर्यात करते हैं। तो इसलिए आयात और निर्यात का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भारत जो है कंजम्पशन में भी आज पूरे विश्व में नंबर सेकंड पे आता है। चाइना की तो हम बात ही यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह आप देख रहे हैं खुद 928 मिलियन मैट्रिक टन, मोर देन 50% वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम भारत के संदर्भ में आते हैं। भारत के संदर्भ में लोहा पहले से ही यहां पे इंडस्ट्री थे, लेकिन पहले भट्टियों में इसे गला के लोकल जो नीड्स थे या लोकल जो सामग्रियां थी उसे तैयार की जाती थी, क्योंकि आप देखते हैं काफी सारा एग्जाम्पल्स है। हमारे जो आयरन पिलार्स हैं वो आज के नहीं, ईसा पूर्व के वो आयरन पिलार्स हैं और वो अभी भी जंग बिना जंग के वो खड़े हैं, जो कुतुब मीनार के पास भी है लौह स्तंभ हैं और भी बहुत सारे अशोक के लौह स्तंभ हैं। तो ये सारे आपको आपके लिए ये प्रमाण है कि हमारे इंडिया में लोहा और इस्पात का जो प्रोडक्शन था वो शुरुआत से ही था, लेकिन जो अब जो मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेसेज हैं उसके द्वारा जो आयरन स्टील प्रोडक्शन जो हो रहे हैं और उसमें भी भारत ने प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति काफी धीरे से हुआ है। जहां अमेरिका में हम देखते हैं 1669 में, यूएसए में 1629 में पहला आयरन स्टील प्लांट जो है एस्टैब्लिश किया गया मैसाचुसेट्स में, लेकिन भारत में जो हम देख रहे हैं 1871 में, मतलब हम काफी पीछे हैं, लेकिन आज हम प्रोडक्शन में नंबर 2 पर हैं। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं जापान, जो जिसके पास रिसोर्स के नाम पे काफी कुछ नहीं है, लेकिन वह बहुत दिनों तक नंबर 2 पे था, तो वहां भी कोई ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। 1901 में वहां पहला फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया जावाता में, और आज तक वह नंबर 2 और 3 को होल्ड करता है। तो हमारे भारत के संदर्भ में हम देखते हैं जो सबसे पहला प्लांट जो सफल प्लांट था, उसके पहले भी प्रयास हुए हैं लेकिन वो असफल प्लांट थे, लेकिन सबसे पहला जो सफल प्रयास हुआ वो 1871 में हम देखते हैं कुल्टी। कुल्टी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे वह जो ब्राकर नदी है, ब्राकर नदी के किनारे इस फैक्ट्री का एस्टैब्लिश किया गया, और यह जो था ब्राकर आयरन वर्क्स, इसके अंतर्गत यह एस्टैब्लिश हुआ। और बाद में हम देखते हैं 1889 में 18 साल के बाद यह जो है दूसरे नाम पे बंगाल आयरन कंपनी के तहत अंतर्गत इसमें उत्पादन होने लगे। फिर बाद में हम देखते हैं जो निजी क्षेत्र में सबसे सफल और बड़ा एक प्लांट जो है वो साक्षी जमशेदपुर में, टाटा का नाम आप जानते ही हैं, टाटा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, जिसको कि टिस्को के नाम से भी हम जानते हैं, और यह जो है 1911 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, 1907 में इसकी नींव पड़ी और 1911 से यह प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं उसी समय 1908 में हीरापुर या आसनसोल में कुल्टी से 11 किलोमीटर दूर, मतलब कि कलकत्ता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पे ये कुल्टी के पास ही हीरापुर में जो है आयरन स्टील का प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया, और यह जो था वो भारतीय लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत यह एस्टैब्लिश किया गया। फिर बाद में 1936 में हम देखते हैं यह जो था कुल्टी और हीरापुर, कुल्टी जो था पहला जो 1871 में हुआ और 1908 में हीरापुर में, इस दोनों को मिला के जो है आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टैब्लिश किया गया, और दोनों इसी के अंतर्गत उत्पादन या काम कर रहे थे। फिर 1937 में बर्नपुर में आप देख रहे हैं स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के अंतर्गत यहां पे भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया, जो बाद में ये तीनों इंडस्ट्री जो है वो मर्ज कर दिए गए, और इसको के अंतर्गत ही कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ये तीनों 1953 आजादी के बाद ये तीनों को मर्ज कर दिया गया, और इसके तीनों के प्रोडक्शन का जो निगरानी होता है वो इसको के अंतर्गत काम करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आजादी के समय तक
1907 का या जो है टिस्को और 1953 में जो ये तीनों को मर्ज किया गया। इस प्रकार से चार बड़े फैक्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट करते थे जो आयरन स्टील का प्रोडक्शन करता था। उसके बाद जब आजाद देश हुआ तो हमारे अर्थव्यवस्था को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो 5 ईयर्स प्लान जो अडॉप्ट किए गए उसके अंतर्गत हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं जो 56 और 61 का समय है, इसमें हमारी सरकार ने अलग से फंड क्रिएट किए और औद्योगिक नीति के तहत 3 पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने का यहाँ देख रहे हैं। पहला जो है वो भिलाई में जो आज छत्तीसगढ़ में चला गया है मध्य प्रदेश से कट के, उसके बाद दूसरा दुर्गापुर में वो वेस्ट बंगाल में है और तीसरा राउरकेला में। ये 3 जो है हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में एस्टैब्लिश किए गए। और भिलाई का जो था वह हम रूसी तकनीकी या रूसी सहयोग के से यहाँ निर्मित किया गया। दुर्गापुर जो है वह भी हमें ब्रिटिश सहयोग वहां के तकनीक के आधार पे इसको एस्टैब्लिश किया गया और राउरकेला का जो संयंत्र है वह जर्मन सहयोग से। तो ये 3 देशों के सहयोग से हम 1961 तक ये देखते हैं 3 संयंत्र हमें और भारत को जो है प्राप्त हुआ। और भारत में कुल मिला के हम देखते हैं 62 तक 4 पहले से थे और 3 7 बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं फिर तीसरे 5 ईयर्स प्लान में हमें बोकारो जो पहले बिहार में ही था अब वो झारखंड में चला गया है 1967-68 में बन के तैयार हुआ, वो रूसी तकनीक के मदद से एस्टैब्लिश हुआ और यह उस समय का सबसे बड़ा संयंत्र था। यह जो है इसकी कैपेसिटी 25 लाख टन आयरन स्टील प्रोडक्शन करने का था, जहां की सबसे पहले जो बड़ा था टिस्को था, वो टिस्को का भी वर्तमान में भी वो 20 मिलियन मैट्रिक टन आयरन स्टील का प्रोडक्शन करता है और बाकी ये सब भी 15 मिलियन मैट्रिक टन के तक उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 4th 5 ईयर प्लान में जो 69 से 74 के बीच में 2 अनदर स्टील आयरन स्टील प्लांट का एस्टैब्लिश किया गया, वह नाम है सलेम और विशाखापत्तनम। सलेम को 1982 में तैयार किया गया और विशाखापत्तनम 1980 में तैयार किया गया। और आप यहाँ ये भी देख रहे हैं जो पहले ये जो कंसंट्रेशन था हमारे इंडिया में वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ और बिहार, इससे हम बाहर निकलते हुए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में हम जो है ये देखते हैं जो आयरन स्टील इंडस्ट्री प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके साथ ही साथ बाद में जो है विजयनगर जो है हॉस्पेट जिला है कर्नाटका में, वहां पे ये एक बड़ा सा प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया। और सबसे खास बात जो है इस विजयनगर प्लांट में, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पे आधारित है और इसकी उत्पादन क्षमता भी जो है वो काफी ज्यादा है, 30 लाख टन जो है इसका उत्पादन करने का क्षमता है। विशाखापत्तनम का भी हमने यहाँ लिखा है 30 लाख टन उत्पादन करने का क्षमता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पहले था 4, 12 बड़े प्लांट जो है वो इंडिया के आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब ये प्लांट और साथ ही साथ बहुत सारे जो है माइनर प्लांट भी हैं, वो लगभग 180 के आसपास हैं, 180 छोटे प्लांट्स हैं और वो भी लोकल लेवल्स के जो नीड्स होते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। तो कुल मिला के ये सारे प्लांट्स जो हैं इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट जो है अपने आयरन स्टील में मैंने किया है और प्रोडक्शन भी आप यहाँ देखेंगे इस टेबल में किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो बढ़ता चला गया है। प्रोडक्शन यहाँ स्टेटस दिया गया है इंडिया का, आप इसको फोकस कर लेंगे और यहाँ देखेंगे ये ईयर्स दिया गया है 2007 से हमने आंकड़े आपके सामने दिए हैं। 2007 में आप देखेंगे आयरन में ये स्पॉन्ज, आयरन में ये क्वालिटी होता है स्पॉन्ज और पिग और ये एक फिनिश स्टील, ये तीनों अलग अलग होते हैं, आप लोग पहले क्लास में पढ़ा होगा। तो स्पॉन्ज में आप देख रहे हैं 7 में 20.4, पिग आयरन में 4.6 और फिनिश्ड स्टील में 56.1। तो ये आंकड़े जो है आप देख रहे हैं 17-18 तक कुल मिला के थोड़ा मोड़ा उतार और चढ़ाव होता रहा है इसके प्रोडक्शन में।
लेकिन आप देखेंगे ये हमेशा निरंतर इसमें वृद्धि को हम देख रहे हैं। यहाँ तो 56 था पहले 2007-08 में, वह बढ़ के 84.7 के आसपास आ चुका है। तो हम ये बहुत सारे कारण हैं, इसके कारण जो है ये प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुए हैं। लेकिन आप एक नक्शे पे आप गौर करेंगे, इस मैप पे भी, ये मैंने पहले ही बताया आपको, जो सारे इंडस्ट्री जो थे ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड इसी के आसपास हैं, जितने भी हैं, ये जमशेदपुर हो, हीरापुर हो, बर्णपुर हो, आसनसोल के आसपास, बस ये भद्रावती जो है वो मैसूर यहाँ पर है तमिलनाडु में, और उसके बाद कर्नाटका में विजयनगर है, विशाखापत्तनम कोस्टल यहाँ आंध्र प्रदेश के आसपास है, सलेम है तमिलनाडु में, ये 4-5 जो हैं इस रीजन में हैं और बाकी इस रीजन में हैं। तो आप, और इसका मुख्य कारण है जो यहाँ पे सिंहभूम और मयूरभंज का जो आयरन एंड आयरन ओर का जो यहाँ पे खदाने पाई जाती हैं, और साथ ही साथ बगल में झड़िया और रानीगंज का कोयला, ये और प्लस मध्य प्रदेश के चूना पत्थर और डोलोमाइट के जो क्षेत्र हैं, ये सब कारण है इस एरियाज में कंसंट्रेशन आयरन स्टील इंडस्ट्री के का होने का। तो मैं समझता हूं कि आप इस मानचित्र को भली भांति अध्ययन करेंगे, और जो विभिन्न प्लांट्स को का जो दिया गया है उस प्लांट को आप इस नक्शे पे आप दिखाएंगे, और उसके बाद जो है जैसे कि ये कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट में, वो आप इसी से समझ पाएंगे और उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कच्चे माल की प्राप्ति जो है पहला पॉइंट होता है, उसके बाद उद्योग के लिए शक्ति, तो शक्ति हमारे यहाँ देख ही रहे हैं, जो कोयला जो है प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में, जल शक्ति भी जो है आप देख ही रहे हैं, विजयनगर, विशाखापत्तनम, सलेम, इस आसपास में जल शक्ति, भद्रावती, ये जल शक्ति पे ही एस्टैब्लिश है। उसके बाद अनुकूल जलवायु भी यहाँ उपलब्ध है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कुशल एवं सस्ते श्रमिक, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूंजी बाजार की निकटता, तो बाजार में हमने पहले ही बताया आज इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं, आप यहाँ देखेंगे ये सारे इंडस्ट्री जो हैं यहाँ 1973 में सेल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया भारत सरकार ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया, और यह जो है पूरे जितने भी ये प्लांट्स हैं उसके प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को निगरानी करता है। और उसी के साथ साथ आप 1976 में गवर्नमेंट जो है यह इसको जो तीन जो थे कुल्टी, बर्णपुर और हीरापुर, उसे भी अंडरटेक कर लिया, और यह सेल के ब्रांच के रूप में काम करता है। तो निजी क्षेत्र में दो को छोड़ के बाकी सभी जो आयरन स्टील प्लांट जो है बड़े बड़े, वह जो है वो भारत सरकार के सेल के अंतर्गत, निगरानी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया 180 जो है मिनी प्लांट्स हैं, जो वो भी प्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं। तो आप इस टेबल को एक बार फिर से थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूं, आप उसको देख लेंगे और उसको नोट डाउन भी कर लेंगे, जो आपको नोट्स बनाने में ये सहायता होगा। इसके साथ ही साथ जो है एक मैं यहां और भी आपको मेंशन कर दूं, जो उद्योगों का जो स्थानीयकरण होता है, जिसमें कि पहला कच्चे माल की उपलब्धता है, तो यह जो है हैवी इंडस्ट्री है, मैंने कल की क्लास में बताया था, ये भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 टन आयरन स्टील निर्माण करने के लिए 3 टन कोयला और 2 टन लोहा चाहिए, मतलब कि 5 टन यदि हम यूज करेंगे तो 1 टन हमें लोहा और इस्पात का। इसीलिए इस इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट जहां भी कच्चे माल के रिसोर्स होते हैं वहीं पे एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये कच्चे माल में इसमें मुख्यतः कोयला चाहिए और आयरन लौह अयस्क चाहिए। तो कोयला का जो मेन सोर्स पे जो इंडस्ट्री ये एस्टेब्लिश है उसमें आप यहां देख लेंगे, ये बोकारो दिखा देंगे नजदीक से, बोकारो और नोट डाउन भी कर लेंगे, कोयला के आधार पे जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ है वो बोकारो, दुर्गापुर, बर्णपुर, हीरापुर और कुल्टी, ये जो है कोयला पे आधारित जो इसके निकट में है, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री आयरन स्टील को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद लोहा अयस्क के निकट जो एस्टेब्लिश किया गया उसमें भिलाई, राउरकेला और भद्रावती, सलेम, इसका नाम आता है, आप लिख लेंगे
लोहा के लौह अयस्क के आधार पे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के जो संयंत्र एस्टैब्लिश किए गए उसमें नाम है भद्रावती, भिलाई, राउरकेला, सलेम, विजयनगर, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है टाटा, आप टाटा क्या है, तो टाटा का पोजीशन ऐसा था जो सिंहभूम से लोहा, सिंहभूम और मयूरभंज से लोहा और बोकारो और रानीगंज के आसपास से इसे कोयला मिलता है, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है टाटा का वो कोयला और लोहा के जो क्षेत्र है उसके बीच में किया गया है। और इसमें एक आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव समझ आते हैं कौन सा संयंत्र जो है उसके ये फैक्टर्स नहीं है, तो दूसरा फैक्टर काम करता है तो वह है विशाखापत्तनम। इसका जो कोस्टल लोकेशन है, समुद्र के किनारे इस संयंत्र के जो है एस्टैब्लिश किया गया है, यहाँ जो कच्चे माल रहते हैं वो बड़े बड़े शिप पे बाहर से भी आ जाते हैं, इसीलिए इस और प्लस जो फिनिश गुड है वो कच्चे माल के द्वारा तुरंत निकल भी जाते हैं, इसीलिए विशाखापत्तनम का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है वह जो है व्यापार की सुविधा के कारण यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो हम समझते हैं बहुत सारे चीज आपको ये बता दिया गया है, अब आप इसको फिर से अपने अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे और कहीं कोई फिर समझने में परेशानी होगी तो मैं फिर क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं जो आप अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। ठीक है छात्रों, थैंक यू।